शेयर बाजार में मंथली एक्सपायरी वाले इस हफ्ते में जोरदार तेजी दिखाई दी, रिकॉर्ड हाई वाला हफ्ता रहा और निफ्टी हमें इस हफ्ते पहली बार 26,000 के ऊपर नजर आया, यानी कि 2025 के पहले हमने निफ्टी पर 26,000 का लेवल देख लिया है। तो चलिए मार्केट रैप में जान लेते हैं कि लास्ट वीक बाजार में क्या क्या हुआ और अगले हफ्ते हमारी नजर कहाँ रहेगी। सबसे पहले तो इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट दोनों ही जगह पर नए लाइफ हाई बनते रहे। सेंसेक्स पहली बार 86,000 के करीब पहुंच रहा है तो निफ्टी ने 26,000 का लेवल छू लिया। इसके बाद निफ्टी 26,300 के करीब भी पहुंचा था। बैंक निफ्टी भी पहली बार 54,400 के पार निकला था। अपार्ट फ्रॉम दिस यूएस में बड़ा एक्शन रहा। अमेरिका में जॉब्स और इकोनॉमिक डेटा के चलते डाउ और S&P 500 भी लाइफ हाई पर नजर आए। एक्चुअली यूएस में बेरोजगारी के दावे आते हैं वो अनुमान से कम रहे हैं। दूसरी तिमाही में GDP ग्रोथ भी मजबूत रही है। सर्विसेज PMI अनुमान से बेहतर रहा है। तो ओवरऑल मजबूत आर्थिक डेटा के दम पर बाजार में खरीदारी लौटती दिखाई दी। कमोडिटी बाजार में भी जोरदार एक्शन रहा। गोल्ड कॉमिक्स पर पहली बार $2,685 के ऊपर जा रहा था तो चांदी 12 सालों में पहली बार $33 के करीब पहुंच रही थी। और कॉमिक्स ही नहीं, MCX और सराफा बाजार में भी गोल्ड में रिकॉर्ड रैली नजर आई। सराफा बाजार में सोना 79,000 के करीब है और चांदी 94,000 के ऊपर निकल गई है। बेस मेटल्स में भी धुआंधार एक्शन रहा। कमजोर डॉलर और चीन में मांग बढ़ने के अनुमान से बेस मेटल्स में 3% तक का उछाल देखा गया। LME कॉपर करीब 4 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा था। वैसे क्रूड इस हफ्ते जरूर सुस्त नजर आया। लीबिया में सप्लाई की चिंता घटने से कच्चा तेल करीब 3% फिसल कर $73 के पास आ गया है। डॉलर इंडेक्स 101 के नीचे आ गया है और US की 10 सालों की बॉन्ड यील्ड 3.7 के करीब चल रही है। दिग्गज IT कंपनी एक्सेंचर की ओर से बढ़िया नतीजे देना और ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ाना बाजार के लिए एक अच्छी खबर रही। यहां से आपको IT स्टॉक्स में मजबूती आती दिख सकती है और रिजर्व सीजन में खासकर IT कंपनीज पर नजर रहेगी। और इसके साथ ही नजर है अगले हफ्ते के आउटलुक पर। निफ्टी की अक्टूबर सीरीज शुरू हो गई है, नया महीना भी शुरू हो रहा है। ऐसे में ऑटो सेल्स GST कलेक्शन के नंबर आएंगे अगले हफ्ते। इसके अलावा निफ्टी पर सेमी एनुअल रिव्यू के बदलाव लागू होने वाले हैं। सोमवार से ट्रेंट और BEL इंडेक्स पर शामिल हो जाएंगे। बैंक निफ्टी में बंधन बैंक की जगह केनरा बैंक लेगा। इससे इन स्टॉक्स के साथ इंडेक्स में भी आपको इनफ्लो बढ़ता नजर आ सकता है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट आपके लिए ये भी है कि रिजर्व सीजन शुरू हो रहा है। बाजार में लिस्टेड कंपनीज दूसरी तिमाही के लिए अपने नतीजे पेश करेंगी। आखिर में गोल्ड, बेस मेटल्स और क्रूड सहित ग्लोबल क्यूज पर भी हमारा फोकस रहेगा। मार्केट रैप में ये थी हफ्ते की रिपोर्ट। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहें।